गाइस इंडिया में आपको सैमसंग गलेक्सी M31 स्मार्टफोन मिल जाएगा 19,500 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको ओप्पो A52 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 17,000 रुपये की कीमत में। तो दोनों स्मार्टफोन के बीच में 2,500 रुपये का डिफरेंस है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट है, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप लोग कन्फ्यूज हैं सैमसंग गलेक्सी M31S या फिर ओप्पो के A52 में, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो पूरी पूरी डिलीट यानी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखना, और यहाँ पर जो डिटेल कंपेरिजन मिलेगी सैमसंग गलेक्सी M31S और ओप्पो के A52 की, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, जहाँ पे आपको जो है लास्ट में जो कंक्लूजन का पार्ट मिलेगा उसके बेसिस पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ओप्पो A52 की तरफ जाना है या फिर जाना है सैमसंग गलेक्सी M31S की तरफ। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गलेक्सी M31S में मिलता है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, और सैमसंग की खुद की इन्फिनिटी ओ कटआउट शिप में देखने को मिल जाएगा आपको आपका ये स्मार्टफोन। अगर बात की जाए यहाँ पे ओप्पो के A52 से, तो गाइज यहाँ पर भी आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगी, और यह आएगा एक सिंगल पंचोल डिस्प्ले के साथ में, जो कि आपके लेफ्ट साइड में होगी स्मार्टफोन के जस्ट स्क्रीन के जस्ट, एंड 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की होगी इस स्मार्टफोन की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले की कंपैरिजन की, तो ओप्पो के A52 भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले का कोई तोड़ नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे फुल HD प्लस सुपर एमोलेड की वजह से विनर है सैमसंग गलेक्सी M31S। अब अगर बात की जाए कैमरा की कंपैरिजन की, तो सैमसंग गलेक्सी M31S में गाइज मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, और स्पेशल बात यह है कि ये आता है एक बेस्ट इंटेलिक फीचर के साथ में। तो यहाँ पे आपको जो स्मार्टफोन का जो कैमरा है पीछे की तरफ में वो मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलता है एक 32 मेगापिक्सल का इन्फिनिटी ओ शेप कटआउट में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो ये तो बात हुई सैमसंग गलेक्सी M31S की। अब अगर बात की जाए यहाँ पे ओप्पो के A52 से, तो यहाँ पर भी गाइज आपको एक 12 मेगापिक्सल का क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो आएगा आपका 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, जो कि आपका लेफ्ट पंचोल कटआउट शेप में ये अवेलेबल है। सो कैमरे के मामले में भी मुझे ओप्पो के A52 से कहीं ज़्यादा बेस्ट लगा सैमसंग गलेक्सी M31S। अब अगर बात की जाए गाइस यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गलेक्सी M31S में मिलता है 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली नॉर्मल और एवरेज स्मार्टफोन में जो बैटरी कैपेसिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर और कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए आपको अच्छा खासा 25W का चार्जिंग अडेप्टर भी मिलता है। टाइप सी पोर्ट की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही तेज़ी में चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। अब अगर बात की जाए यहाँ पर ओप्पो के A52 से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलता है 5000 mAh की एक बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली नॉर्मल जो एवरेज मिलता है उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसके अलावा 18W का चार्जिंग अडेप्टर भी है, तो इस बैटरी कैपेसिटी सबसे ठीक ठाक ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बैटरी कंपैरिजन की बात करें अगर ओप्पो के A52 एंड सैमसंग गलेक्सी M31S के बीच में, तो ऑब्वियसली विनर है सैमसंग गलेक्सी M31S। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन की, तो सैमसंग गलेक्सी M31S में गाइस आपको मिलता है एक्सिनोस 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे 2.3 GHz की यहाँ पे आपको सीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलेगी माली G72 की GPU के साथ में। अब अगर कंपेयर करें इसे ओप्पो के A52 के प्रोसेसर से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे साथ में आता है। एड्रेनो 610 की यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी। तो मतलब यार 17,000 रुपये का फोन और उसके अंदर आप प्रोसेसर दे रहे हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, मतलब कितना ज़्यादा चीप कर दिया यार। मतलब कि अगर मुझे स्नैपड्रैगन 665 का ही प्रोसेसर लेना होगा, तो मैं क्यों फालतू के 7,000 लगाऊंगा। मैं रेडमी के जो नोट 8 है उसकी तरफ भी तो जा सकता हूं, वो भी कहीं ज़्यादा अच्छा ही है स्नैपड्रैगन 665 के है। और ख़ास बात तो ये है कि वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, यहाँ पर तो मतलब 12 मेगापिक्सल मिल रहा है। खैर ये बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बेकार लगी, क्योंकि 17,000 की कीमत में मतलब इस तरीके का। तो खैर अगर हम लोग प्रोसेसर के कंपैरिजन की बात करें, तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 665 से कहीं ज़्यादा बेटर है एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर। अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो सैमसंग गलेक्सी M31S में मिलता है आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन है वही आपका जो पावर बटन है वही बन जाता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक रूप। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन है, तो जहाँ पे आप लोग 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। अब अगर बात की जाए इसी मामले में ओप्पो के A52 से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, ऑब्वियसली 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। साथ ही यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखो मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आपका पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर बन जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर कंपैरिजन की,
सैमसंग गैलेक्सी M31 इसमें मिलता है आपको ग्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन, जो कि एक अच्छे खासे प्रीमियम ग्रेडिएंट डिजाइन के साथ में अवेलेबल है। ग्लास्टिक बैक है तो इसका मतलब मैं समझना कि मतलब ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग वगैरह है, ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग है, लेकिन ये ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग एंड प्लास्टिक बैक को एक मर्ज करके बनाया गया है। ग्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन है तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही, तो ये कुछ सैमसंग का कुछ इस प्रकार का है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हटकर अच्छा लगा इसका कलर, जो कि बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम लुक प्रदान करता है इसी स्मार्टफोन में। अब अगर बात की जाए ओप्पो के A52 से, तो यहाँ पर भी गाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही मिल रही है, जो कि ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग 3D क्वाड कप शेप में मिलेगा और एक बहुत अच्छा ग्रेडिएंट डिजाइन देखने को मिलेगा। तो कलर कुछ इस प्रकार है, स्ट्रीमिंग व्हाइट एंड ट्यूबलाइट ब्लैक। तो मतलब कि बिल्ड क्वालिटी तो कहीं ना कहीं इक्वल है, लेकिन मुझे सही बताऊँ ना तो मुझे ओप्पो A52 का जो है स्ट्रीमिंग वाइट वो कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है कहीं ना कहीं एक फ्लैश लाइट जैसा लगता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31 से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर लास्ट चीज़ की बात की जाए जो कि है प्राइसिंग, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको जो प्राइसिंग की बात कर लूँ तो 6GB रैम 128GB का वेरियंट मिलेगा आपको 19,500 रुपये में, 8GB रैम एंड 128GB का वेरियंट मिलेगा आपको 21,500 रुपये में। तो ये तो बात हुई सैमसंग गैलेक्सी M31S की। अब अगर कंपेयर कर लिया जाए इसे ओप्पो के A52 के प्राइस से, तो गाइस यहाँ पे आपको एक लौता ही वेरिएंट मिलेगा जो आएगा 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट के साथ में, जो आएगा 17,000 रुपए का। वाओ, मजा उतार ली इसी बात पे, क्योंकि कितना अच्छा स्पेक दिया ना हमने अभी शुरुआत से लेकर एंड तक देख लिया। अभी आप लोगों को पता नहीं, मुझे तो कहीं ज्यादा गुस्सा टाइप आ रहा है ओप्पो A52 पे। मतलब 17,000 रुपए का फोन है यार, उसमें भी स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हो। तो खैर चलते हैं लास्ट कंक्लूजन के पार्ट पे, देखते हैं कि अब सारा गुस्सा वहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 6GB रैम 128GB के वेरिएंट से कंपेयर करने वाले दोनों स्मार्टफोन को, क्योंकि अच्छी बात है कि दोनों उतने में ही अवेलेबल है, तो देखते हैं कि 2,500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ या फिर नहीं। तो इन शॉर्ट कहूँगा, सबसे पहली बात बैटरी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31S विनर है, स्लॉट एंड स्कैनर इक्वल है, इसमें कोई मतलब इक्वल ही है, कोई ज़्यादा विनर नहीं है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31S विनर है। अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो इस मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M31S विनर है। अगर बात की जाए कैमरा की, तो मुझे इस मामले में भी M31S विनर लगा। एंड बात की जाए बैक बॉडी की, तो बैक बॉडी की जो क्वालिटी है वो तो सेम है, लेकिन अगर मैं कलर एंड क्वालिटी की बात करूँ तो इस मामले में भी M31S विनर है। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको 2,500 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके बिल्कुल चले जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31S की तरफ, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कन्फ्यूज थे तो। एक छोटा सा सजेशन और देना चाहूँगा कि यहाँ पर ओप्पो A52 अगर 17,000 रुपये की कीमत में लॉन्च ही हो गया है, तो आप प्लीज़ 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा के मोटोरोला फ्यूजन प्लस ले लो। 17,000 इसमें लगाओगे, मतलब स्पेसिफिकेशन ना, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इस स्मार्टफोन में ऐसी स्पेसिफिकेशन इस प्राइस रेंज के साथ में कूद सकती है। जब 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा रेडमी नोट 8 में मिल रहा है यार, मतलब वो स्मार्टफोन 10 से 11,000 के बीच में और ये 17,000 के बीच में 665 का प्रोसेसर दे रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया इस सारे स्मार्टफोन में एवरेज बना दिया पूरे स्मार्टफोन को। खैर अब क्या ही कहूँ मैं, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल M31S की तरफ जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोशिश करो ओप्पो A52 को नेगलेक्ट करके आप 500 एक्स्ट्रा लगा के मोटोरोला फ्यूजन प्लस की तरफ चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जो प्राइसिंग मैंने बताई स्मार्टफोन की, हो सकता है इन फ्यूचर उसमें प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो। सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन चेक करके प्राइसिंग जो रिसेंटली चल रही है, लेटेस्ट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंपेरिजन वीडियोज़ देखें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर प्राइसिंग में ऊपर नीचे हो। तो वीडियो में मुझे डेडिकेटेड पता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने भी वीडियो बनाई तो इस हिसाब से प्राइसिंग यही है। वीडियो पसंद आई हो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।